जेकेएस न्यूज और मैं हूं रवि शर्मा। बात करें और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो पिछले 5 दिनों से वहां पर वाहनों की आवाजाही वो बंद है क्योंकि भारी बारिश और बर्फबारी जो है वो यहां पर हुई है, जिसके कारण जम्मू में अगर बात करें तो हजारों जो श्रीनगर जाने वाले यात्री हैं वो यहां पर फंसे हुए हैं। आरोप उनका यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुध नहीं ले रहा, होटलों की बात करें रेट काफी बढ़ चुके हैं और जो जरूरतमंद चीजें हैं उनके रेट भी काफी ज्यादा उनसे वसूले जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? जी, मैं सही जयपुर श्रीनगर से, मैं उदयपुर से आया। पिछले एक हफ्ते से यहाँ जम्मू में फंसा हुआ हूँ। यहाँ पे होटल वाले जो रूम देते हैं वो भी काफी महंगा, खाना भी काफी महंगा मिल रहा है। और जो यहाँ पे जितने भी कश्मीरी, हजारों की तादाद में कश्मीरी लोग जाए, पटंडी जाए या जीवल गुमट, जहाँ भी जानीपुर साइड, जिस साइड आप जाते हो कश्मीरी है फंसे हुए। सारे लोग सुबह शाम तक घूमते रहते सड़कों पे, शाम को जब होटल रहने का कमरा जरूर, रात भर सोएंगे कहाँ। मैंने कई लोगों को देखा गुरुद्वारे में खाते हुए लंगर पे, अभी वहाँ भी जगह नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोई लंगर नहीं है, रूम के लिए इंतजाम नहीं है खाने का। अगर गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर इनके लिए कम से कम देखिए, टिकट जो एयर टिकट है अभी दुबई से सस्ती है, नेट पे भी आ रहा है, दुबई सस्ती है, कश्मीर जाना जम्मू से महंगा है। कुछ लोग अभी मेरे साथ बात कर रहे थे आधा घंटा पहले कि हम यहाँ से दिल्ली वापस जाएंगे रात को, तो सुबह दिल्ली से 4,500 रेट है वहाँ श्रीनगर की। एक दूसरी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ, कम से कम घड़ियाँ बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं लोग, और होटल वाले देखे शाम को इतना रेट लगा लेते हैं उसका कोई अंदाजा नहीं। कम से कम अकोमोडेशन का कुछ, कहीं हॉस्टल गवर्नमेंट का हॉस्टल होगा जहाँ पे एक साथ लोग बैठे, और इनके लिए कम से कम खाना पीना, जैसे लंगर लगा दे खाना पीना भी बहुत महंगा होगा। मैंने देखा घड़िया मोबाइल पता नहीं क्या क्या बेच रहे लोग, बच्चे हैं इनके साथ। मेरे कई एक दो साथी निकले थे जब हम उदयपुर से आए थे, वो रास्ते में रामबन में फंसे हुए हैं पिछले 6 दिन से, वो भी लगातार वहाँ पे परेशानियों में होटल लिए हैं, महंगे महंगे होटल, और छोटे छोटे कमरे बड़ी बड़ी दामों में दे रहे हैं। सर, कुछ और लोग भी हैं, आप भी आइए। सर, आपका नाम? शब्बीर अहमद। शब्बीर जी, कहाँ के रहने वाले आप? हम श्रीनगर से हैं। कितने दिन से आप जम्मू में? 5 दिन से। तो क्या मांग आप करना चाहेंगे सरकार से और किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पर? मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और गवर्नर साहब से, ये कहना चाहता हूँ सरकार से, कहना चाहता हूँ कि जब 2014 में कश्मीर में सैलाब आया, उस टाइम हमने आउट ऑफ स्टेट के, चाहे बिहार के थे, गुजरात के थे, उनको हमने अपने भाई की तरह मेहनत की है और बचा के, और हमारा एक नुमाइंदा रिफत अब्दुल्ला, उसने भी अपनी जान जौखट में जाकर उनको बचाया, और ये उनकी पहली, और इतना काम किया कि कहने की बात नहीं है। और हमने खुद परदेशी लोगों को इतना बिहेव किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मगर आज मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि क्या आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि आप शाम को बस अड्डे में जाओ और वहाँ देखो रेंट क्या है होटल की, और आप होटल में और ट्रांसपोर्ट को बोलो आप क्या किराए मांगते हो। एक एक पलट को 200 मिलता है, और एक एक कमरे को 2,000 मिलते हैं, और ट्रांसपोर्ट वाले 1,000 रुपए मांगते हैं, समूह वाला 2,000। आपने किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे से अप्रोच करने की यहाँ पर कोशिश की? मिला नहीं कुछ, हमने की कोई नहीं मिला। किससे मिले आप? हाँ, हम उधर जब ट्रैफिक वाले थे, हमने बोला हमको कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन बुला, बोला कि वो मीटिंग में, वो ये करते वो ये करते, और शाम को कुछ लोगों ने वो रिलीफ लाया, वो कौन खाएगा, हम तो भिखारी है थोड़ी, हम वो खाएंगे। हाँ, हम उन ये कहते हैं कि आउट ऑफ स्टेट में जो इंसिडेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं रेल में या किसी हादसे में, उनको एक एक को 5-5 लाख रुपए मिलते हैं, और एक बंदा कश्मीर 2,000 में पहुंचेगा श्रीनगर, ये कौन सा मसला है? ये कोई मसला नहीं है। अब क्या मांग आप एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ये हम कहते हैं कि 2014 में 4 वे का इब्तिदा हुआ है, और कल मोदी सरकार ने उसका एप्लीकेशन की, अब मैं स्टार्ट काम करूंगा, वो अब मैं वो काम स्टार्ट करूंगा, और अगर उनको पता है कि बानहल में बच्चे गिरते हैं तो काम क्यों नहीं रोकते हैं? जेसीबी वाले को क्यों नहीं बोलते वो रोको, वो काम रोको, बच्चे गिरने वाले हैं, जब बच्चे गिरते हैं तो कश्मीरी लोग जो अब सैकड़ों लोग जो है प्रेस क्लब जम्मू में कश्मीर के, क्या मांग आप करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अगर इनको बाय एयर पहुंचा जाएगा वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल अच्छा। जब एक बंदे को आउट ऑफ सिटी में 5 लाख मिलते हैं तो एक बंदे को 2,000, तो आप बोलते हैं कि 1,00,000 में सब पहुंचेंगे घर में, ये कोई बात नहीं है। जब गवर्नर बड़े बड़े दावे देते हैं, मोदी सरकार बड़े बड़े दावे देते हैं, अगर सड़क की हम बात करें तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि भारी बर्फबारी और जो भूस्खलन वहाँ पर हुआ है, जिसके कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बंद है। काम वहाँ पर जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से हमारी बात हुई तो काम वहाँ पर चल रहा है रोड को क्लियर करने का, इसलिए जो है वो गाड़ियाँ वहाँ जाने की दिक्कत जो है वहाँ से ये बताया गया। ये मैं कहना चाहता हूँ चलो वहाँ काम चले, पर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना हमारे लिए, क्या होटल फ्री नहीं रखते हैं यहाँ? क्या होटल फ्री नहीं? एक होटल में 10,000 में 100 बंदे बैठेंगे, ये कौन सा मसला है? कोई लड़का मैंने कल देखा, कोई एक आदमी गलियां बेचता है,
कोई मोबाइल बेचता है। आखिर में आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, आज शाम तक आपको जरूरी बाय एयर पहुंचना चाहिए फ्लाइट में, बस रास्ता यहाँ से वो निकालेंगे नगरोड़े को बोल जाओ पास, तो आगे हम बीच में दो दिन में रहेंगे वहाँ, कौन इनको खाना देंगे? आपका नाम जान के जिस जम्मू कश्मीर प्रोवेंस में उन्होंने कोई अरेंजमेंट किया है हमारे वहाँ पे जो पैसेंजर फंसे हुए थे जैसे कि एयरपोर्ट में एस्टल पे उनको पहुँचाने में, जैसे बाकी स्टेट्स के जो बंदे वहाँ पे फंसे थे उनके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे अरेंजमेंट की, उनको फ्लाइट तक पहुँचा दिया जम्मू प्रोवेंस में और बाकी स्टेट्स में। हम ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो यहाँ पे सत्यापन, हम उनसे कहते हैं कि आप जो कश्मीरी यहाँ पे पैसेंजर्स फंसे उनके लिए कोई ऐसी मीन्स फ्लाइट आप कर दो, मीन्स इशू जिससे हम अपने घर तक पहुँच सके आप। हाँ ये तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने फिर से प्रोडक्शन निकाली है कि 13 तारीख से फिर से हो जाएगा ये, और इवन कि आप कह रहे हो कि सर अभी आपने क्या कहते हैं कि इन भाई साहब थे कि हाँ आपको पता है कि रोड की हालत जो खस कर है, तो ये तो नेचुरल, ये तो कुदरती तौर से हम सदियों से ये चीज़ देख रहे हैं, बट वेयर इज अवर टेक्नोलॉजी? हमारी टेक्नोलॉजी, हम इतना दावा करते हैं हम डिजिटल इंडिया है, बाकी हम बाकी मुल्कों से बात करके हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, देन वेयर इज दिस? कहाँ पे है वो, कहाँ पे वो यूटिलाइज होती है? क्या अपील, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या अपील आप करना चाहेंगे? बस हमारी यही अपील है कि हमारे लिए कोई सी, हमारे लिए कोई डगोड़ा सा है, कोई ना कोई हमारे लिए लिफ्ट आप यहाँ पे इशू करो ताकि हम अपने प्रोवेंस हमें एरिया में पहुँच सकें, क्योंकि यहाँ पे गरीब फंसे, गरीबों के पास कुछ नहीं है जो अफोर्ड कर सके रूम ले या आपको खाने के लिए, इसलिए उनके पास कुछ नहीं है। यहाँ ये थे हमारे साथ कश्मीर के कुछ लोग, हमारे माध्यम से अगर इनकी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच रही है तो इनकी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी इनको जम्मू से निकालकर श्रीनगर जो है वो पहुंचा जाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो है वो अहम भूमिका निभाए। आपको बता दें कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो दो दिन पहले श्रीनगर में भी जो सऊदी अरबिया जाने वाले 60 लोग थे, और जेकेसी इकलौता ऐसा न्यूज चैनल था जिसने रात को 10 बजे वो खबर चलाई थी कि वो लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उनसे 10 लाख रुपए भी लिए गए थे, लेकिन उनको फ्लाइट नहीं दी जा रही थी। और हमारी खबर का असर उस समय ये हुआ कि रात को 10 बजे खबर चलाने के बाद सुबह 9 बजे उनके लिए जो फ्लाइट थी वो वहां पर आई, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारे माध्यम से ये आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और इनकी जो मुश्किल हैं वो हल हो और ये अपने घरों को वापस लौट सके। बने रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए, नई अपडेट के साथ फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। अभी तक के लिए मुझे रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, मगर जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए।